विद्या जी, हम आपको हमेशा जो है 99% हम आपको साड़ी साड़ी में स्पॉट करते हैं, और आज हमने देखा आप यहाँ पर विजिट किया जहाँ पर ये साड़ी का आप बताइए कि आप हमने देखा आप बहुत हाँ, मुझे साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, ये सब जानते हैं, मैं ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती हूँ। और गोपी और अरनाज ने ख़ास तुम्हारी सुलू के लिए एक लाइन क्रिएट किया है। प्रमोशंस के दौरान मैंने कुछ साड़ियाँ पहनी और मैं इतनी लालची हूँ कि यहाँ आके भी मैं सिलेक्ट कर रही थी कि और क्या मैं ले जा सकती हूँ, पर बहुत खूबसूरत साड़ियाँ बनाई हैं उन्होंने। और इनके स्टोर में आने का मुझे मौका मिला, इतना खूबसूरत स्टोर है इनका, मुबारक हो आपको एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, जहाँ स्पेशली खास कर तुम्हारी सुलू के लिए साड़ियाँ बनी है तो मैं आ गई, पहुँच गई यहाँ। कितनी साड़ियाँ परचेस करने वाली हैं? उनको यहाँ मुफ्त मिलने वाली। उसके जवाब में मैं क्या कहूँगी, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। थैंक यू, आई हैव ऑल्सो लव्ड इट ऑनेस्टली। मुझे प्रमोशन में हमेशा मज़ा आता है, पर इस बार एनर्जी ही कुछ अलग थी, क्योंकि सुलू जो है एक उसमें एक पागलपन है, मैं भी पागल हूँ, तो दोनों मिलके डबल धमाका हुआ है प्रमोशंस के वक्त। और देखते हैं कुछ घंटों में, अभी दुबई में रिलीज़ हो ही रही होगी और फिर कल देश भर में दुनिया भर में फिल्म देखेंगे। प्लीज़ वेलकम तुम्हारी सुलू विद ओपन आर्म्स, एम्ब्रेस हर, शी इज थैंक यू। व्हेन योर फिल्म रिलीजेस ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग, व्हाट डू यू डू नॉर्मली? मैं सोती हूँ, प्रमोशंस के बाद थकान बहुत होती है और उस दिन मैं करीब 11-12 बजे के उठती हूँ। पर इस बार मैं कोलकाता में होंगी, कल वहाँ एक इवेंट है उसके लिए हम सब जा रहे हैं, तो हम सब साथ में रहेंगे। इट्स या कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, एंड आई एम गोइंग टू माय फेवरेट सिटी, आई लव गोइंग टू कोलकाता, सो आई एम एक्साइटेड। ओके, अब तक यू नो काफी सारे स्टार्स हैं, श्रीदेवी जी ने भी देखी मूवी, क्या एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट जो यू नो आपको लगा कि आपको याद रहेगी, ऐसी कोई कॉम्प्लीमेंट आपको मिली? मैम, श्री जी ने देखी नहीं है फिल्म, रेखा जी ने देखी, सचिन जी ने देखी, सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे, जावेद साहब ने, शिल्पा शेट्टी ने, सबका बहुत अच्छा रिएक्शन रहा है। सब ने कहा कि यू नो खुशी खुशी बाहर निकले, एक उनको बहुत मज़ा आया, हंसे रोए सब कुछ किया, नाचे गाए, तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्पेस टू बी इन। ओके, फैमिली भी इंडस्ट्री यू नो है, तो डिनर टेबल पे कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपको कि? उन्होंने देखी नहीं है फिल्म अभी तक, मेरी पूरी फैमिली आज देखेगी फिल्म। विद्या, आपका देखे देखे करण जौहर भी आरजे बन चुके हैं रेडियो स्टेशन में, एज एन आरजे के आरजे से उभर रहे हैं, तो क्या एक रेवोल्यूशन विद्या ने क्रिएट किया है? नहीं 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 नहीं, ये महज इत्तेफाक है मेरे ख्याल से, पर यू नो वो बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, तो आई थिंक ही विल बी ग्रेट एज एन आरजे, एंड ही विल बी एज अ लव गुरु इन एज एन आरजे। अच्छा अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि करण जौहर इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड द लवर्स? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई थिंक वो बोलते बहुत अच्छा है, तो वो बहुत आसानी से ये शो कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू।